सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान के प्रति सुबह से लोगों में खासा रुझान देखा जा रहा है। इस बार युवाओं की बजाय वृद्धजनों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वृद्धजन भी इस बार युवाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए देखे जा रहे हैं। वार्ड नंबर 18 पर 103 साल की वृद्धा लिस्मा देवी ने मतदान किया। लोग उन्हें गोदी में बिठाकर मतदान केंद्र तक लाए। इसी प्रकार इसी वार्ड में 98 साल की सुवटी देवी ने भी रवि बाल शिक्षा समिति में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुवटी देवी को जब मतदान केंद्र पर लाया गया तो उन्होंने अपना परिचय पत्र दिखाया और फोटो खिंचवाते हुए युवाओं से मतदान की अपील की। करीब 95 साल की रामी देवी को भी कुर्सी से मतदान केंद्र तक लाया गया। वहीं चोपड़ा धर्मशाला में सुबह से ही महिलाओं की काफ़ी भीड़ वोट करने के लिए उमड़ी। यहां पर दो महिलाओं की और दो पुरुषों की चार लाइनें वोटिंग के लिए नजर आई। वहीं मतदाताओं ने बताया कि यहां पर पर्याप्त छाया की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और लोग धूप में ही खड़े रहे। वहीं युवा मतदाता पहली बार मतदान करके काफ़ी खुश दिखे। उनका कहना था कि वो देश और राष्ट्रवाद के नाम से वोट कर रहे हैं। वहीं कई जगह लाइन धीरे चलने के कारण भी मतदाता परेशान नजर आए। दूसरी ओर कुछ मतदाताओं का यह भी मंतव्य था कि 5 सालों में केवल गरीबों पर वार हुए हैं, इसलिए हम बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी वोट करके चोट करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 267 बूथों पर 266,354 ने मताधिकार का प्रयोग सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करना है। वहीं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 बजे तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28.55% मतदान हुआ। अगर चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुल मिलाकर 29.48% मतदान दोपहर 11 बजे तक हुआ। आप भी देखिए किस प्रकार से मतदान की विशेष झलकियाँ नज़र आ रही हैं और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। ज़्यादा मतदाताओं से अपील करेंगे, वोट दिलवाएंगे, सबको कहेंगे मुद्दे में जो जितने लोग बैठे हैं सब बैठे हैं। किस प्रकार चुनाव में क्या मुद्दे, किस प्रकार के मुद्दे आपके लिए? मुद्दा एक ही है, नरेंद्र जी मोदी ने कुछ नहीं किया 5 साल में, केवल जुमलाबाजी, झूठ झूठ का सारा लेकर के जहाँ जाते हैं वहीं झूठ 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 के अलावा कोई है नहीं। आमजन के लिए कुछ किया नहीं, गरीब के लिए कुछ किया नहीं, किसान के लिए कुछ किया नहीं, है ना। इस बार राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और भाई नरेंद्र भाई मोदी अपने प्रधानमंत्री जिन्होंने दिन रात एक करके देश को इस शिखर तक पहुंचाया है कि पूरे भारत का नाम, पहले भारत को कुछ नहीं समझा जाता था, आज विदेशों के अंदर भारत की भयंकर वो पेट बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सभी बातों को मानने लगा है और देश का विकास हुआ, सुलभ शौचालय 60,000 प्रतिदिन के हिसाब से सुलभ शौचालय बने, हज़ारों प्रकार के मुद्दे, देश का बहुत अच्छा विकास हुआ है, आतंकवाद जड़ से खत्म कर दिया, रोज शहरों के अंदर दिल्ली बॉम्बे पटना सब जगह बम विस्फोट, जयपुर राजस्थान में सब जगह बम विस्फोट होते थे, वो ऐसी घटनाएं सारी होनी बंद होगी। कश्मीर में आतंकवादी घुसते गोली मार दी जाती है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जब हमें चैन की नींद नहीं मिलती है तो क्या फिर जने का फायदा, और सेना को अस्त्र दिए, हम हथियार खुद बनाने लगे, आज देश को सक्षम बना दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसलिए देश का मुद्दा नरेंद्र भाई को हम विजय बनाएंगे और मोदी जी चाहते हैं सदैव वही बने रहे प्रधानमंत्री। क्या फर्क है रोज की दिनचर्या में और आज की दिनचर्या में वोट कर रहे हैं? आज विशेष दिन है भाई, आज की दिनचर्या बहुत ही क्रिटिकल है। नहीं, चुनाव में क्या मुद्दा इस बार आपके लिए काम कर रहा है? कोई मुद्दा है ही नहीं चुनाव, कौन सा मुद्दा है? कोई योजना का मुद्दा नहीं है, कोई और नहीं है, नहीं कोई मुद्दे पर बोल रहे हैं, पोलराइजेशन ही मुद्दा है या और कोई नहीं। तो वोटों का ध्रुवीकरण आप मानते हैं पार्टियों ने किया है? बिल्कुल किया। किस प्रकार ने किया है? उससे भी आगे बढ़ के कर दिया, देश का कुछ विकास कर पाएगा, देश के लिए कुछ करेगा, संसार के अंदर जिसका नाम रोशन करेगा, भारत का नाम रोशन करने वाले उसी वोट देंगे। क्या फर्क है हर बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में? यह इसमें काफ़ी परिवर्तन होने वाला है, पहले वाला इसमें काफ़ी अंतर होगा, पहले तो लीक पीटते थे, अब क्या है कुछ अलग होने वाला है। आपको लग रहा है मन से वोटिंग करेंगे लोग अधिकतर? मतदान केंद्र पे व्यवस्था है यहाँ पे, न तो छांव की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, और लोगों में उत्साह भी है कि भाई वोट देने के लिए मेरा नंबर आया यहाँ पे, मैं जैसे अभी यहाँ पे 1 घंटे से खड़ा हूँ।
लंबी कतार लगी हुई है दोनों साइड के अंदर, चार लाइनें लगी हुई है, दो लेडीज की है दो जेंट्स की है। यहाँ पर आज विकास के मुद्दों पे वोट किया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और मोदी जी बहुत जरूरी है यहाँ पे। देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी समय के साथ बढ़ेगी नहीं, घटेगी धीरे धीरे। मोदी जी आएंगे तो धीरे धीरे विकास होगा ही साथ में। यहाँ पे सभी समर्थन मोदी जी का कर रहे हैं। फिलहाल मोदी जी जो है हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे, हमें विश्वास है ऐसा। मैं देश के सभी इस महान पर्व लोकतंत्र के महान पर्व पर अपना योगदान देकर एक अमूल्य वोट देके आया हूँ। और मैं सभी देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वो अपना अमूल्य वोट अच्छे उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार को अवश्य वोट देवें। जय हिंद, जय भारत। आप ये क्या? हमने सारे नार्थ इंडिया